कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है आपसे। वैसे तो बालाजी की आराधना हर कोई कर सकता है, पर कई लोगों ने रोक दिया कि हनुमान जी की आराधना लड़कियां नहीं करती। तो ये तो नहीं कह रहे कि आप स्वीकृति दें, बस कुछ मर्यादाएं हैं जिनसे हमें अनुभूत करा दें कि क्या कर सकती हैं लड़कियां और क्या नहीं। पर हम भी चाहते हैं आपकी तरह बालाजी के चरणों में समर्पित होना। वाह, परिक्रमा पर रोक है अथवा नहीं है? परिक्रमा पर कोई रोक नहीं है। हनुमान जी को पिता के रूप में, भाई के रूप में कोई भी पूज सकता है, मान सकता है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि हनुमान जी को आप भजन नहीं कर सकते हैं, को सिंदूर नहीं चढ़ा सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आप पवित्र दिनों में मंदिर नहीं जा सकते हैं। ये रोक जरूर जो है माताओं बहनों को है, बाकी कोई रोक नहीं है। बेझिझक जो है हनुमान जी की सेवा बहन कर सकते हैं। आप कौन सी टीवी से हैं? एनडीटीवी। तो आपने क्या पूछा था कि कैसे पर्चा बना लेते हैं? जी हाँ। जान सकती हैं, देख सकती हैं, हमने आपके आने के पहले ही आपके विषय को लिख करके रख लिया। आपकी पत्रकारिता में, आपकी बुद्धि में, आपकी दिमाग में जितनी दम हो ताकत लगा लीजिए। चारों खाने चित्त नजर न आओ तो कहना। और कोई हम अभिमान में नहीं, बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। आप खुद परीक्षा ले लीजिए, दूसरों को हम बुलाएंगे, शायद तुम्हारे मन में संदेह रहे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही कीड़ा है। अपना कीड़ा खत्म करो, न दिल्ली दूर है न संसद दूर है, अपनों तो दरबार खोलो ही है। अब मैं क्या बोल दूं गुरु जी, यहाँ इस मंच से मैं क्या बोल दूं? आपके दो विषय हैं, पढ़िए। नीलम जैन नामक एनडीटीवी की मीडिया से आई है, परीक्षात्मक भाव है, बेटे के कैरियर का विषय पूछेंगी। बिल्कुल सर। जॉब होगी, आशीर्वाद चाहती, मकान का विवाद निपट जाएगा, पक्ष में होगा, जाओ आशीर्वाद है। इस बिटिया ने कहा था कि ये गुरुजी जो है हमारे लिए ही आए हैं। हमने यही बोला था अपने पति से। हमने सुन ली आपका, मतलब पहली बार मुझे पता चला था। और अपने हस्बैंड से मैंने 4 दिन पहले ही चर्चा की थी कि मतलब ये गुरुदेव पर्चे लिखते हैं तो वहाँ जाना चाहिए दर्शन के लिए। तो बोले ना जा पाएंगे, ड्यूटी रहती है। और दूसरे दिन आपकी खबर आ गई कि आप इंदौर में कथा कर। बोलो क्या प्रश्न? मैं बहुत खुश हूँ, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, बालाजी की कृपा से। मैं पुलिस लाइन में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड पुलिस में, मैं एक भगवान की हमारे नगर में कथा चाहती हूँ, इसी अर्जी से आई हूँ मैं। गुरुदेव पूरी कर दीजिए बस। कहाँ पर? डीआरपी लाइन, पुलिस लाइन, सेंट्रल जेल के सामने। 3 प्रश्न आए फिर आपके। सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे, कृपा होगी, आपने ऐसी अर्जी लगाई, आशीर्वाद। पितरों का उपाय करवा लेना एक बार, बाद में कथा का भी आशीर्वाद।